हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट जिहड़ियां अपनियां वीडियोज़ आ उन्हां दे विच असीं बुक कीपिंग का मीनिंग फीचर्स भी कर चुके हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग फीचर्स भी कर चुके हैं। तो हुण इहनां दे विच मेन डिफरेंस की आ वो असीं अज स्टडी करांगे। तो फस्ट डिफरेंस की आ, बुक कीपिंग इज़ एलीमेंट्री स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की है, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज बिगिन विन बुक कीपिंग एंड। हुण देखो, तुसीं प्लस वन टू च आ गए हो, आपां कहिंदे असीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल च पढ़ते हाँ। ठीक है, तो प्लस वन टू करन तो पहला थोनू आपदियाँ फस्ट क्लासेस सी जिहड़ियां फस्ट टू फिफ्थ सिक्स सैवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ तो सारियां करनियां पईयां। एलीमेंट्री स्टेज होंदी है जिहड़ी सानू पहला करनी पैंदी है, कि जिन्ना टाइम असीं एलीमेंट्री नहीं क्लीयर करदे उन्ना चिर असीं सेकेंडरी स्टेज ते नहीं आ सकदे। तो बुक कीपिंग की है, साडी एलीमेंट्री स्टेज है जिहदे विच असीं सब तो पहला रिकॉर्डिंग करदे हां, दैन साडी अकाउंटिंग स्टार्ट होंदी है। कि जदों बुक कीपिंग दा रिकॉर्डिंग दा काम खत्म हो गया, उस तो बाद उहदी समरी बनाउणी, उहनू कम्यूनीकेट करना रिजल्ट्स नू, इह सारे काम किहने करने आगे अकाउंटिंग ने। क्लीयर, दैन आ गया बुक कीपिंग, इट लीड्स टू प्रैपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि बुक कीपिंग दे विच असीं की प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। असीं बस जस्ट आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, इतों तक साड़ी बुक कीपिंग है। बट उस तो बाद उहदे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाउणा, बैलेंस शीट बनाउणा, किहदे च बनाउणे आ असीं, अकाउंटिंग दे विच। मीनस इहदे च ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुंदा एंड इहदे च प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर हुंदी है। दैन बुक कीपिंग एक आर्ट एस्पैक्ट है, जबकि अकाउंटिंग एक साइंस एस्पैक्ट है। दैन बुक कीपिंग दे लई सानू नॉर्मल नॉलेज चाहिए है, कि थोनू जस्ट अकाउंट दे बेसिक रूल्स आने चाहिए है, थोनू एलीमेंट्री नॉलेज ही काफ़ी है, क्योंकि बुक कीपिंग असी जस्ट रिकॉर्डिंग करनी है, उहदे लई सानू कोई ज़्यादा हाई नॉलेज की जरूरत नहीं हैगी। बट अकाउंटिंग दे विच जिहड़ा एक अकाउंटेंट है, उहने अगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने, उहने फरदर स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करनी है, इसलिए उहनू जिहड़ी हाई नॉलेज आ उह रिक्वायर्ड है। दैन बुक कीपिंग दे विच जो भी असी रिकॉर्डिंग करते हैं उहदे रूल्स रेगूलेशन आ जिहड़े सारे बिजनेस लई सेम हुंदे आ, बट अकाउंटिंग दे विच रूल्स रेगूलेशन सारयां लई सेम नहीं हुंदे। जिहड़े बिजनेस दा स्केल वड्डा है, कोई ज़्यादा पैसे नाल बिजनेस कर रहा, कोई घट पैसे नाल बिजनेस कर रहा हैगा, या कोई किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा, कोई किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा, तो उहदे लई सारे अलग अलग है जिहड़े उह रूल्स लगदे आ। दैन जिहड़ा बुक कीपर है, जिहड़े परसन ने जस्ट रिकॉर्डिंग करनी, उहदा वर्क जिहड़ा उह क्लैरिकल नेचर दा, मतलब कि क्लर्क लैवल दा बंदा है जिहड़ा उह बुक कीपिंग दा काम कर सकदा, क्योंकि इहदे लई ज़्यादा हाई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं हैगी। बट अकाउंटिंग दा काम एक स्पैशलाइज्ड अकाउंटेंट ही कर सकदा, क्योंकि इहदे लई सानू हाई नॉलेज रिक्वायर्ड है। दैन बुक कीपिंग दे विच असीं जस्ट रिकॉर्डिंग करते हाँ, कि हाँ असीं सारियां ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्डिंग कर ली, उहनूं असीं बुक कीपिंग कहिंदे हां। बट अकाउंटिंग दे विच फरदर उहदी समरी बनाउणा, उहनूं इंटरप्रेट करना, उहनूं कम्यूनीकेट करना, इह वी असीं अकाउंटिंग दे विच करदे हां। सो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वैल। नाउ वी विल मूव टू अवर नैक्सट टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग साइंस और आर्ट। कि अकाउंटिंग नूं असीं साइंस कहांगे कि आर्ट कहांगे। क्लीयर, तो हुण ये चीज़ देखने तो पहला कि अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट आ, तो पहला असीं ये देखते हैं कि साइंस हुंदी की है। तुसीं टेंथ तक साइंस सबजैक्ट पढ़ के आए हो, साइंस की है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मीनस कि इहदा प्रॉपर सिस्टम बनिया होया है। तुसीं जो पढ़ते सी ओम दा लॉ पढ़ते सी, राइट हैंड रूल जो भी तुसीं पढ़ते सी, वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिन्हों प्रॉपरली प्रिंसीपल ते बेस्ड किया गया, मतलब इहदे सिद्धांत बने हुए, उन्हां सिद्धांतां दे जिवें उह कहिंदे सी कि लॉ ऑफ ग्रैविटी सी, जां जो भी तुसीं टेंथ तक आपदा पढ़ के आए हो कि जो चीज़ उपरों गिरेगी उन्हें नीचे आके ही गिरना, तो ये इदां दे प्रिंसीपल ते बेस्ड है। ये प्रिंसीपल्स पूरे संसार दे विच यूनीवर्सली एक्सैप्टेबल है। तुसीं जिहड़ी मर्जी बुक चक लो, जिथे मर्जी ऑन नैट ते सर्च कर लो, जिथे मर्जी देख लो कि साइंस दा सेम प्रिंसीपल ही निकलेगा। ये नहीं भी किसी बुक ते कुछ होर लिखा होया, किसी ते कुछ होर लिखा होया। साइंस है जिहड़ी उह एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हुंदी है, जिहनूं असीं प्रॉपर एक्सपैरीमेंट कर करके, साडे जिहड़े साइंटिस्ट है उह वारी वारी लैब दे विच एक्सपैरीमेंट करदे आ, एक्सपैरीमेंट करन तो बाद प्रॉपर कॉज अफैक्ट देख के, कि जे असीं आह दो इनग्रीडियंट्स नूं मैच करदे हां, उहदे नाल आही रिलेशन बनदा, इहदा आह कारण है, इहनां तों आह नवीं गैस बनूगी, इदां उहनां ने जो रिलेशन आ उह बनाया हुंदा। मीनस के साइंस दे विच सारा कुछ फिक्सड हुंदा, उहदे च असीं कुछ आपदे कोलों नहीं ऐड कर सकदे। तां इन्हां चीज़ां नूं देखदे हुए हुण असीं की अकाउंटिंग नूं साइंस कह सकते हैं,
ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜਨਰਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਟੂ ਫੁੱਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਆਰਟ ਬੁੱਕ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਏ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਸਕਿੱਲਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਰਟ, ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।